मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मॉडर्न दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि गांव एक ऐसी जगह होती है जहां एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर एक शख्स दूसरे से वाकिफ होता है। लेकिन जितनी कम्युनिकेशन एडवांस हो चुकी है ना, मेरा ख्याल है कि दुनिया को ग्लोबल मोहल्ले का नाम देना चाहिए, क्योंकि गांव में तो हर एक शख्स दूसरे से सिर्फ वाकिफ होता है ना, मोहल्ले में तो अंदर की बातें भी मालूम होती हैं, जैसे हमारे मोहल्ले में। अच्छा, वैसे इस मोहल्ले में आज दो नई शॉप्स का एडिशन हुआ है, दिस वन एंड दैट वन। ये तो फटिया गया है। ये है कहाँ शॉपकीपर? फटिया गया है। नहीं मतलब कहाँ, कैसे मिलावट कर रहा था? नहीं, नहीं। मैं था इस मोहल्ले से नवा, लगता गया तुम्हें पता। हाँ बिल्कुल। पीछे नहीं रहती बिल्लो? ऊपर वाली। ऊपर वाली नहीं, मैंने तो पीछे मिली है। ए जनाब ओदी मेहरबानी, हां जी ओने महीने से ए जगह मेनू दीती है। ये ओ अच्छा, ये जगह उनकी है एक्चुअली? हां जी, किराए ते दीती है। ओ भाई, मैं यकीन ना तन कह सकदा कि ऐसी नैश औरत मैं देखी नहीं। आपके साथ उन्होंने भलाई की और आप उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं बुराई नहीं कर रहे, पर पता कितना किराया है इन जगह का? 10,000 महीना सिर्फ इन्नी जगह का है जी। हां ते तैनू फ्री दुकान दे दिया मैं। मैं तुम्हारी तारीफ ही कर रहा सी, ऐसी चंगी लेडीज मैं जिंदगी च नहीं देखी, हालांकि इन्नी जगह का लोग लख लख रुपए किराया मांग रहे ने। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है ना आपने। गिरगिट 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 क्या आता है, मैं तन पहले भी तरीफा की थी ना, हुन भी तरीफा रहा। सुनाओ की हाल चाल है? ठीक। दसो की खाने मेरे वीर? रहने दे, मैं आपे मंगवा लांगा। नहीं आज आपने महंगाई की वजह से कुछ नहीं बनाया, दिल नहीं चाह रहा था। नहीं पैन इतनी महंगाई, मैं कल्ली ते गई, मैं कहे कंडा है ओ तल के खा लांगी। अच्छा महंगाई बर्दाश्त हो जाती है लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं होती, वो जो इन लोगों ने शुरू की हुई है। असि कड़ी की थी भाई जी दुकानदारों ने, आप यकीन करें कि मेरे पिछले दिनों मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे वो 50 रुपए ज्यादा रेट बता रहा है। वो लॉजिक क्या दे रहा है कि जी सानू की वजीर आजम नू पूछो। एहो जा बंदा कितना उधार लेके कहंदा मेरे खाते में लिख लो। खाते में लिखना कोई बुरी बात है? हालात नहीं ठीक भाई जी। और खाते में भी आप 10 रुपए की चीज होगी ना, ये 100 रुपए की लिखेंगे क्योंकि उनको पता है कि मजबूर है बेचारा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा हालात इतने खराब है, आजकल किसी का खाता वाता चल रहा है, मतलब उधार दे रहे हैं कि बंद है? ना बंद, उधार तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि उधर आने ही नहीं गए। हमारा IMF से खाता चल रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं चल रहा? IMF तू पूछना, वो की कहंदे ने? वो कहंदे ने इधर साडा खूह खाता चल रहा है। उस ते ले ही जा रहे, वापस करने नहीं। आपके पास तो इतनी देर हो गई, कोई कस्टमर ही नहीं आया। ओए मैडम, एक दौर हुंदा सी जदों साडे को गाहक आउंदा सी, असीं जदों ऑफिशियल करदे सी, धूले तैयार हुंदे सी। लेकिन भाई साहब ये भी तो देखिए ना कि ये बीमारियों की आमाजगाह है ये बेसिकली। आपने अपना ये जो इक्विपमेंट है इसको सैनिटाइज किया है? डिटॉल दे विच उन्हें सारे उस तरह सुट्टे हुए ने जिवें उस तरह नूं पित निकली हुई है। जनाब मेरा तेरा गाह कोई आ लैंदे मैं छित्तर ना ना मारे, गन चुक के ना उन्होंने घर फायरिंग करके आना। भाईजान जनाबे अली, ये मैं क्या ब्याह हो कड़े इलाके च रहा है? गुलबर्ग जी। ओहो गुलबर्ग, तेन वड़न के ना। हेलो, तू इस जुल्म च हिस्सेदार है? तू तू इनू तैयार करके भेजा, जे बच्ची नु पसंद आ गया ना राजा मैं तेनू फायर मारने। हेलो, ये मैं तेनू दस दिया, बह जा दुकान ते अपनी। ए बरात किन्ने बजे जानी है? 6 बजे बरात जा रही है। राजा इधर आ जा, किन्ने बजे बरात जा? ओ छड्डा, चल अपनी दुकान ते चल। अन्नी दा बच्चा ना होवे ते खाना। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको? क्यों इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उन्हें समझाओ। देखिए आप बातों से गुस्सा करें, हाथों से नहीं करें। देखो बिना जी गल पता की है, मेनू को इस गल का कोई नहीं गा। मैं सोच रहा कि उस बच्चे का की होएगा, हो सकता उन्हें इन्हें वेख्या ही ना हो। बरात नाल किन्ने बंदे जा रहे ने? 250। तेरी बरात नाल? तेरी बरात नाल 250? देखे
मुझे समझ नहीं है आपने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। इस तरह किसी के साथ फिजिकल नहीं होता, बातों से समझा सकते हैं। ये बातों के भूत लातों से नहीं समझते। जुमला तो कम से कम सीधा बोलें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओ ना मेरा दिमाग पुठा करता है, तुसी मसाला सुनाई जांदे मेनू। और रिछा जिया मेरा समान भी लै गया ईओ नाल। उतरो भी लै गया, तौलिया भी लै गए। चल तेरे को कड़ा गा गाना है। ऐसा ही लग रहा था दैट यू आर आउट ऑफ योर माइंड। भाई साहब वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान। हां जी। ए किन्ने दी है? ए 10 रुपए दा एक शाशा जी। 10 रुपए दी? हां जी। ओए इधर रेट ही बदले? नहीं नहीं, असि पता की गल है, बाड़े बंदे ने यही रखया है। अच्छा दसो लेना किन्नी है, किन्नी दे आ? बिस्कुट किन्ने देने आए बड़े? ऐ नहीं हां डब्बा लेना जी। डब्बा लेना? हां जी 400 रुपए दा है। 400 तो हुई 400 दे डब्बा। हां जी दे, कर दिया पैक? नहीं नहीं रेट पूछना आया था मैं जरा। ये तो बेचारा डिसेबल्ड है ना, इसको तो फ्री में देते होंगे। मैडम नशा करता है, बीमार कितू है, लेने दस। ओ भाई कौन नशा करे, एग्जांपल आ रही है, मैं नशा ही करता। कल एक बंदे नु कहंदा मैनू सड़क पार करा दे, उन्हें नहर च वाड़ता, विच वड़ के कह रहे एडी ठंडी सड़क, बल्ले बल्ले बल्ले। देखे किड़ी महंगाई हो गई है, मैं महंगाई दे डर तो ना छड़ दिता नशा। ये मैं नशा छड़ सकना ते सियासत दा करप्शन नहीं छड़ सकदे। ओ यार मुल्क नु ते बचा लो। कितनी सही बात की है ना, मेरा ख्याल है ये जो करप्शन है ना, नशे से भी गंदी लात है कि ये छोड़ते ही नहीं है। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने इंडिविजुअली अपना हिस्सा डाला है कि मैं नशा नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, शाबाश भाई। ने पाना ना कब आएगा? ओए लेट ही आंदा है। ओके आजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खाना लेके आए? ये तो इधर ले आ खाना। ए साला मेरा। अच्छा आपके घर से खाना आया है? हां नहीं नहीं नहीं, मांग के लाया है। साला घरों लेके आया उन्हें। की पकाया अज? साग। साग आया? ना ना एदा नक बहुत तेज है। नाल वाली गली च बेच के आ। मैं तने देसी घी दा तड़का ला के देनी आ। इधर आ अपना बिल्लो जी, आ गरम करके दर दियो, ठंडा हो गया। बाजी ने तुम्हारे वास्ते गल्ला है ते मैं गल्ला ओदे गरम करवांदा पिया। आए गुड़ वाले चौल लेवा नाल। हां ए गुड़ वाले चौल किने खाने? मैं खावांगा गुड़ वाले चौल सॉफ्ट। तू तो बकवास बंद कर अपनी। वाशिंग मशीन दी मोटर सड़ गई है। पखा जेड़ा छत वाला ने जी ओ भी नहीं चलता पिया। अन्नी दे बच्चा घर च कोई बम मार गया है? इन्नी चीजां फड़ 10,000 रुपए अद्धे बाजी जाके कम करा जाके थोड़े होर। चल चल यार इधर आ, गल सुन, तू मैनू बौणी करा, मैं तेनू कराउना। उत्तर मेरी शेप बदेगी ते करांगा ना, तेरी कलम ठीक कर देना ना, तेरे को भी चीजा लवांगा। दस के आया कर, हुने दुकान मेरी उठ जानी सी। अरे ते मैं गल ही नहीं कीती ते की स्यापा की पै गया। और तू दिक्या नहीं सालन गरम करके लिया? हां की होया ते गैस ही नहीं हैगी। ओए ए तो दुकान चुक है, तेरी दुकान वेख के लगदा ओही दिन चल रहे ने। वाओ नाइस नई दुकान। वालेकुम सलाम जी। काउंसलर दा साला। अच्छा अच्छा अच्छा, इस इलाके दा काउंसलर साला साहब ने? बिल्ले दा साला है। होर भाजी की हाल ठीक ठाक? तानू जिंदगी च कदी कोई प्रॉब्लम होवे तुसी बिल्कुल बिना झिझक होके दसना है। जी जनाब जी। काउंसलर दा साला। ये क्या बात है जनाब, यानी असी के कोई टेंशन होवे तो बजाय के माई बाप नु ही दसना है। इस दिन ये अपना भाईजन किथे ने? भाईजन अंदर रेस्ट कर रहे ने। तानू कोई बंदा कोई तकलीफ दवे? हाँ जी हाँ जी। तुसी मैनू दसना है? जी जनाब मैं ओके काउंसलर दा साला। अरे सब कुछ खाए जा रहे, पेमेंट तो करे। आपको कोई प्रॉब्लम है? हम दो भाइयों में बात हो रही है। कुछ लोग हैं ना इतने तंग कर देने आप। ओना दी ऐसी दी तैसी। अच्छा जी साडे हुंदे आ तैनू कोई तंग करे काउंसलर दा साला। नहीं पाइन मैं कह हैगा कि गल हैगी कि देखो ये तो तुसी अपना नंबर दे दो मैनू ताकि तैनू कॉल फौरन कर दें। मेरे हुंदे आ जिंदगी च टेंशन नहीं लेनी। ओके काउंसलर दा साला। अच्छा जिन्नी चीजें तुसी मेरे चुक लिया ना मैनू लगता काउंसलर दा नहीं तू मेरा साला है। भाने इन्ना नहीं थोड़ा ले जाओ थोड़ा हक के उधर हो जा। मेरी फटकड़ी ले गया सी कल। चल अपनी बकवास बंद करो। ओए वे बिल्ला किथे ही? मेरा पाइन अंदर सुता पिया फड़ो। वे बिल्ले नु का मेरी केबल नहीं आन दई? यार काउंसलर दे काम थोड़ी हुंदे के केबल नहीं आन दई। अरे मैं नवा नवा कदम रखया जी पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स च और ये हालात हैं आपके काउंसलर दा साला। और नहीं हां जी तैनु कदी कोई प्रॉब्लम होवे ऐ क्यों चुके आई साडे घर लीड नहीं लगी? अच्छा असि जो मर्जी करिए
मैनु दस नहीं कोई प्रॉब्लम होवे ते काउंसलर दस साला ऐ खलोते है बकवास बंद कर ओके रंदा नहीं कितने साला ये बेचारी खिजी बहुत है क्यों है गला बह गया तो तुम ही बह जाए थे मेरे भाइन दे हक च बह जा कोई नहीं गल सुरीली गांधी ते है ना एडा सोना एडी कर्म वाली बच्ची है मैं तेनु की दसा वे ब्याह ते गई सी अच्छा अच्छा जिन्ना आंदा पुत्र ओना सुना देना क्यों तेरा गला ठीक हो जाना तू जे मेरे हमेशा कोल रावे ते मैं दुनिया नू कैदा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे पुत्र है 100 रुपया पढ़ तू सिरप ले पहले ठीक है ताकि तेरा गला ठीक होवे तू फिर गाना अपा ये नहीं सुना तो मैं सुनाऊ कुछ आंदा है हाँ जी आंदा जी सुनाओ तुसी क्या बात है ऐ जेना मैं फिर ऐसा तेरे ले सजाइए सजेना है मैं फिर ऐसा तेरे ले सजाइए प्यार बुलावे आ जा कानू से दिलाइए तुम आओ ले आओ मोहब्बत का हर वेल दिल नू ख्याल तेरा रहंदा है तेनू कहरा दुनिया से घबरा कर गला ठीक हो गया तुम्हें दिल पुकारा है कहां हो तुम वो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे बिछड़े गए अब कैसे प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे माशाल्लाह बेटा दोवें सुरीले हो कट्ठे मंगिया करो जाओ देखा दो बच्चे काम तो लग गए ना हाँ अच्छा किया आपने सुरीले दोवें ही हुण देखो ना वो कट्ठी जोड़ी किधर गाएगी हो सकता ना बन जान हेलो राजे मेरे बाल सेट कर इथे आओ कुर्सी ते ओए तैनू नहीं पता काउंसलर दा साला पता मेनू ओए कर साले दे बाल ठीक अरे वाह बिस्मिल्लाह आ गया जोगी बाबा जी ए कौन जाओ ए रमली बाबा जी ने जी ए रमली बाबा जी ने साडे खानदानी बुजुर्ग ने अच्छा ये भी हर जगह पाए जाते हैं हर मोहल्ले में पाए जाते हैं बाबा इस्लाम है अरे कम सलाम दसो को दिल दी मुराद कोई कारोबार नहीं चलता बच्चा सन दसो ऐसा मंत्र करांगे कारोबार चल जाएगा मैं ना ये जादू तावीज पे बिल्कुल यकीन नहीं करती तू सानू नहीं मांगती नहीं आ काले कलकत्ते वाली खोए वाली मलाई वाली मियां वाली साई वाली आ जनाबे वाली तुम प्लक 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 बाबा जी गायब तो हुए नहीं अच्छा तुसी चांदे हो गायब हो जाए हाँ जी अखा बंद करो गायब हो जाएगी हाँ तुसी भी बंद करो अखा मैंने नहीं बंद करनी ए चुप रही बच्चा अरे आंखें खोलो आप लोग वो आपके पैसे चोरी करके भाग गया है मैं यहीं पे हूँ ए किधर पैसे मेरे को तो है नहीं सर अन्नी दा बच्चा विना तो नहीं गायब हुई मेरा 10,000 गायब हो गया हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा वी गोना बी बैक वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन एवरीबॉडी और आज खबर क्या है हमारे प्रोग्राम में बताइए जरा खबर है कि मेके से पैसे लाने से इनकार बीवी पर तशद्दुद करके बाजू और टांग तोड़ दिया हाय 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 ऐस दौर से भी है सारा कुछ हो रहा है गुजरांवाला में ये वाकया पेश आया है और मर्द ने जुए में अपना रिक्शा हार दिया तो बेगम को कहता है कि जाके मैके से 3 लाख रुपए लेके आओ ताकि मैं रिक्शा खरीदूं। बीवी ने इनकार कर दिया
तो तशद्दुद शुरू कर दिया, डंडे मार मार के उसकी टांग और बाजू तोड़ दिया। कैन समबडी गो टू दीज लेंथ? एक मिनट, एक मिनट, आप कौन है? ओए मैं दसना बेटे, ए मेरा जुआई है, ओ मेरी बेटी है, ते ना पुलिया होया है। जुआई तुसी बड़ा दवाई पीने वाले चमचे वर्गा लबे है। अरे यार, अरे चलो। ओए काका, ओ बेटा। यार इन्हें लत बांध तोड़ी। हां जी इन्हें। ए बंदा टहनी तो फूल नहीं तोड़ सकदा, इन्हें लत किवें तोड़? बाजी मैनू इन्ना मारदा है, मैनू अद्धी रात नू मैनू को उठा के कहंदा है मैनू मूंगरियां दा जूस बना के दे, मैं बना के दित्ता। बेटा तेरी जिम्मेदारी है, तू तेरा खावन दे। ओ चाचा जी चुप करो, मूंगरियां दा जूस कौन बनांदा है? बेटा तेरा जिहो जिहा मुंह तो हो जी फरमाइश कीती उन्हें पूरी कर दी। प्रोग्राम तेरी मैं मिन्नत कीती है कि मेरी धी नूं वसन दे घर च, एडा जुलम ना कर बेटा। कोई काम नहीं करदी, कोई काम चाह खावा चाह नहीं बना के देंदी मैनूं। मबरानी नहीं आती, वो बना ते लवे बेचारा, उसको सॉसपैन नहीं चुके जांदा। सुन ले। अच्छा चाचा जी एक मिनट, आपसे सवाल है, आपने जब बेटी ब्याही उससे पहले आपने दूल्हे की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी? बेटा गल है वे, साडी पुरानी जान पहचान थी, मैं क्या की पूछना दसना है, है? चलो अब तो आपको पता चल गया ना, अब आप क्यों तरले कर रहे हैं उसके? भाई जूते मारे इसको पकड़ के, शरीकों ने गल्ला करनी है, मैं उन्होंने मुंह बंद कर सकना? नहीं तो लड़की को मरवा दोगे शरीकों की बातों के बीच? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जलेबियां वाली अखबार पढ़ने वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये भी ना होते हैं अनासर ये इस तरह के बुजुर्गों की तरह? बिल्कुल, कहा जाता है कि डाइवोर्स डॉटर इज अ बेटर देन अ डेड डॉटर। आप क्या जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये मेरे खानदान च किसी साडी धी पैनू तलाक नहीं हुई, गाली समझे जांदा है गाली। और लड़की दे बेचारे दे तरस आ रहा है। लड़की ओ बाजी रा दे तरस आ रहा है, जिदे दी बांह टुटी है, ओ ते हर वेले बेचारी परेशान रहंदी, मैं हुण बेवा होई कड़ी नू बेवा होई। हल्की जी तेज आवाज चले बेचारी काला सूट पा लैंदी। क्यों पता नहीं उन्हें खावन दी लाश आ जाए बारो। उतो इहदी मां कहंदी सी चंद दा टोटा, इहने मेरा घुंड चुकिया ते चौलां दा टोटा निकलिया। ये जो पीछे खातून बैठी है ये कौन है? मैं एदी बदनसीब दी मां वा, मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। हालांकि कल्ला कल्ला भी हो जाए। एक अकेला बेटा है आपकी और उसकी तरबियत नहीं हो सकी आपसे? एदा प्यो सानू इना कुटदा सी, असी ते कदी गुस्सी तक नहीं सी कीता। नाले पुराने दौर दीयां गल्लां जड़ियां ने उदों बंदे मार लेंदे सन, हुण की बंदियां दी जरूरत होवे के अपनी बुढ़ी नूं मारे? लैने बाजी मेरी बांह वी तोड़ी है, लत वी है, नुक्कर च सुट्टण वाली कांडी नहीं जड़ी। चुप कर जा चुप। मैं अपनी बच्ची दी तरबियत कीती है। इना गल्लां ने मैनूं फेंटी पवाई जे, मैं उहनूं पुराणियां फिल्मां च तीन तीन वारी मरन वाला मेरा आबा नहीं जड़ा। ओए शकील, ओए बेटे, ओ ख्याल कर, कुछ ख्याल कर बेटे, ना कर दूजी तोड़ दे, मैं ख्याल करके मर जाना भूड़ ते बह के शेखुपुरे भी चल जाता। शकीला शकीला। अच्छा ये बताइए कि जुए में क्या क्या हार चुके हैं और कब से खेल रहे हैं? मैं जुआ खेडा, इंदा की शक बनता मैंने जुआरी कवे। अरे एव जी कुड़ी दिया ते दोई लता तोड़ देनी चाहिए ने, इन्हें जेने मेरे ते जुलम कीते ने। आपकी टांगे भी आपके खामन ने तोड़ी थी कभी? मेरिया टांगा तोड़न लगा सी, मैं बच गई सा। फिर वेखी उनके तोड़न वाली आई तोमता लांदी सारे सारे टब्बर ते। बेटा ये जो चाचा जी हैं, मुझे तो इनकी मायूसी चेहरे पे, बेबसी, लाचारगी देखकर बहुत तरस आ रहा है। ओ सड़क कल्चर वेख, असि किवें धीआं नूं बेबाक कह दईए कि बोल दियां रवो। इह कोई शरीफ जां मासूम आदमी नहीं है, इह जांदा साडा सालन चोरी च करके लै जांदा। मैं शर्त से कहता हूं इसको सिर्फ दो दिन हवालात में डालें। हां हां सेट हो जाएगा, ये गज की तरह सीधा हो जाएगा। तुहाडे वर्गा बंदा हर मौसम च आलू बुखारे ले आउंदा हुंदा। मेरे सरताज दी पिछली सालगिरह ते मेरे अब्बे ने 50 पकाने दिते ने गैस वाले, रहीम यार खान तो लब्बे ने। तू चंगी होंदी ते थल्लों मेरी लत्तां फाड़ लैंदे। तू मेरी लत्त तोड़े ते मैं तेरीआं लत्तां फड़ा? अब्बा जी मैं नहीं इहदे नाल रहणा, मैं चलदा हुंदा। बेटा ना ना बेटे नहीं ना रह, असीं होर अपने पुत्तर दा विआह कर लांगे। इह जिहड़ी तड़ी देरी ने मैं तुहानूं दस्सां, इत्थे मैनूं ओह शेरखां बनना पै जाणा है, हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੀ ਦਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ। ਆ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਆ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੋਗੀ। ਉਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਕਰ ਕੀ ਬੌਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹਕੂਕ ਏ ਨਿਸਵਾ ਕਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੜੇ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਥੇ। ਪਾਸ ਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ? ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ
नंबर वन पे, चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान में होता है, दिस इज अलार्मिंग। मैं एक बात बताऊं, अगर ये खातून वाकई सही कानूनी चाराजोई करे ना इसके खिलाफ, कम अज कम 7 से 10 साल के लिए अंदर और 5 लाख रुपए इसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तू मेरी जिम्मेदारी चुक, मैं को जान छुड़ा, मैं क्यों उठाऊ जिम्मेदारी तुम्हारी? आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। 5 मिनट तुम और समझाया ना, ब्लेड पाता मर जाना, लूडो खेलन डे इंज सुटे ते तीन आए ते नस के 3 स्कोर लै रहे। बेटा बंदा बन जा, इन्ह सारे लोगों तेन छड़ना नहीं, मैं तेन कुछ नहीं कहना। पिछली बार भी पुलिस आई, इन हाथ घड़ी ला रहे थे, इतने नहीं पूरी आई, फिर गल च पा के लै गए। अबूबकर भाई इन भी समझाओ ना। नहीं उसको तो हम समझा लेंगे, लेकिन ये देखो ना जारी तौर पर तो तुमने मारा ना मारा है। चाचू जी घर वसदे चंगे लगते ने। बेटा नहीं हूं गल वसो बहर हो गई, इन्होंने बंद की गल नहीं छड़नी, क्योंकि वेखो विखाई देखो मापे चंगे हुण तो धीआं वसदीआं ने, सामने बैठा कह रहा कि धीए वस के विखा, और उन्हें बाह तुड़वा ली, लत तुड़वा ली, गल नहीं कीती कोई। बाजी ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦਿਲਾ ਦੂੰ, ਮਾਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜੇ 2 ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀਨਾ ਬੇਟੇ? ਲੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਈ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਠਦੀ ਏ ਬੇਗਮ, ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਏ। ਆਓ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਗਰਵੀਰਾ ਦਬੋ ਜੇ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਇਸਕੋ ਹਵਾਲਾਤ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਚਲੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਵੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਸ ਗੇਟ ਹੀ ਲਾਣਾ। हम लेते हैं यहां पर एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस, वी गोना बी बैक। वेलकम बैक टू मस्तियां। हमारे यहां अमूमन अब्बे इतनी सख्त तबीयत के होते हैं कि बच्चे उन्हें फादर की बजाय गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, और कुछ बच्चे भी बहुत ढीठ होते हैं कि वो सिर्फ गॉड फादर के ही काबू आते हैं। गॉड फादर एक किरदार का नहीं बल्कि एक सिस्टम का नाम है, और वो सिस्टम क्या है ये तो गॉड फादर ही बता सकते हैं। वेलकम टू मस्तियां। थैंक यू, मेहरबानी। होर काकी की हाल है? ठीक ठाक है। जिन्नी तू मेरी आनिया तारीफ की थी भाई, मैंने तो बड़ा चंगा लगा है। मेरी फिल्मा देखी हैं तुसी? हाँ मैंने आपकी गॉडफादर देखी है। मेरी किसे फिल्म का कोई डायलॉग याद है तुम्हें? रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। ओह एक ही फिल्म है? आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर, ही कांट रिफ्यूज। ये कड़ी फिल्म है? आपकी मशहूर है जमाना फिल्म। हाँ जी ये मेरी फिल्म है जी। असल तो फिल्मा ही इनिया की थी मलिक साहब, याद ही नहीं रहिंदा केड़ी फिल्म दा डायलॉग किथे हैगा। तुसी मेरी सुपरमैन वेखी है? तुसी सुपरमैन दा रोल कीता सी? सुपरमैन मेरा पुत्र हुंदा है। मैं पहले तेरे नाल गल कर रहा या इहनूं दस लवां? हां जी हां जी, नहीं ठीक कह रहे। हां जी सुपरमैन नहीं वेखी मेरी? आपने देखी है अबूबकर? जी मैंने देखी है। कैसी मूवी थी? वो पुरानी थी, काफी ज्यादा पुरानी थी। उड़न वाला बंदा पहली बार बनया आई? हाँ जी। उड़न वाला बंदा सी उहदा प्यो मैं आई। वेखी सुपरमैन? मैं वेखी है जनाब। और तू मेरी तीफा गुजर वेखी होनी है। आज खुश तो बात हो। अरे वाह, आज बाप बेटे को तुमने अपने शो में आखिर बुलाई लिया। ए मेरी छोटी खाच दी खाचे माइकी। माइकी पहचान तो लिया होना है। हाँ क्यों नहीं, इनको कौन नहीं पहचानता। इस बच्चे ने बड़ा प्यार किया जी। अबू जी मैंने जाल बिछा दिया। जेड़ा तेरा कादे तू निकी जाली बिछांदा है। कौन पता है इस कारोबार फिल्म में दूर रखे है। हाँ आपने क्यों दूर रखा था इसको? छोटा जेता है मलिक साहब, इनिया दुश्मन कोई इन चपेड़ा मार जावे। एक खाचन में भेजा है बाहर। वेखी फिल्म तुसी? जी जी मैंने बिल्कुल। कहानी का पता है जी, लेकिन आप ये देखिए कि उसने वापस आकर फिर आपकी सीट पर बैठा और उसने पूरा हक अदा किया। बिल्कुल आपकी सीट संभाल ली उसने पूरी की पूरी। सब तो ज्यादा नलायक ये कच्चा बढ़िया मारता है।
चैन बहन सब जड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन बहन सब जड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे है जी बर्बाद हो रहे है जी तेरे अपने शहर वाले ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आ जा इस बात मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आ जा कजरा रे तेरे कारे कारे ने कजरा रे तेरे कारे कारे ने मुझे लगता है इन दोनों को बहुत जल्दी पाकिस्तान में भी मूवी मिलने वाली है। अरे वो सिसिलियन माफिया था जिसको इन्होंने डुप्लीकेट करना था और यहाँ पे आपने चिनियन माफिया बने में डायरेक्टर साहब कहाँ से हायर किया आपने इन दोनों को? ओहो मलक साहब बच्चा जिद पूरी करनी पड़ी औलाद की जिद हमेशा पूरी की है मैं तेरे हुन नची ना मैं थके हुए हैं। अच्छा अभी बड़े आप गॉडफादर बन के बैठे हैं आपने पूरी दुनिया में अप्लॉड समेटी तारीफें समेटी फिल्म तो आपको बहुत मुश्किल से मिली थी ना? हाय हाय ये बेचारन फिल्म में काम कोई नहीं सी देंदा। नहीं जिस वक्त इन्होंने फिल्म की थी उस वक्त एक्चुअली इनका बहुत डाउनफॉल का पीरियड चल रहा था। जी जी बिल्कुल और फ्रांसिस फोर्ड कोपला भी वो भी एक नया डायरेक्टर था उन्होंने आके इनसे जब बात की तो इन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास भी कोई फिल्म नहीं और तुम्हारी भी पहली है। असल से कोपला सी नवा डायरेक्टर कोपला मेरे घर आया है उन्हें कहा भाई जी काम तुम्हारे को भी नहीं साडे को भी नहीं। अच्छा मैं फिल्म शुरू करना चाहता मैं चल कोपला है एदा भला हो जावे मैं भी दा खेड़ा मैं चल ठीक है गड्डी ले लांगे फिल्म ने तो पुट धूड़ा दित्तियां मलक साहब पूरी दुनिया दे विच। अच्छा तो फिल्म के तो इतने कम पैसे लिए थे आपने तो फिल्म के बाद फिर कॉम्पनसेट किया था डायरेक्टर ने कुछ दिया था आपको पैसे? देखो देंदा रहा हर महीने बाद कभी बिजली का बिल तार देंदा सी मेरा हाँ कुछ खर्चे बच्चों देते स्कूलों की फीसा देती रहा मेरे नाल उन्हें मेरे ना बड़ी मुहब्बत की थी। असल तो इस फिल्म तो बाद ना कोई फिल्म मेरी जची नहीं रोल मैं करता फिर दुनिया ने कॉपी की थी। नहीं नहीं वाकई इन्होंने उसके बाद काफी मूवीज की लेकिन ये ना कि वो इम्पैक्ट जो गॉडफादर में डॉन वीटो छोड़ के गया एग्जैक्टली और फिर इटालियन अमेरिकन मॉबस्टर्स के ऊपर कितनी लातादाद फिल्में बनी ना आपके बाद पूरी दुनिया ने आपको कॉपी किया बिल्कुल पर आपको कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली फिर। असल ते ना एक्टर ते ना डॉल फोन आंदा रहंदा कभी ऊंचाई कभी फिल्म काम नहीं मिलिया कभी हुंदा है वेखो ना अपना अमिताभ बच्चन साहब मालन ब्रांडो जो था ना वो एक वो कहते ना मुस्तकिल मिजाज नहीं था वो यानी कि अगर स्कूल में था तो वो भी कहते ना लापरवाह था फिर काम किया ये लिफ्ट ऑपरेटर भी था काम में जो है ना कोई लापरवाही करता रहा लेकिन ये फिल्म जो थी ना उसने उसको अमर कर दिया। बिल्कुल ये फिल्म तो बड़ी मुश्किल से की थी मुंह को आपने पफ करने के लिए स्टफ किया था कॉटन के साथ हाँ जी बच्चे तो करके बोलते थे आप बुलडॉग बनने के लिए इस फिल्म ते ना ढाई तो तीन मन रूह लगी है तो फिर रूह घट गई अठ नौ सीन तो मेरे उन्हें रूह वाले पेंजे तक करवाए ने अच्छा जब आपने गॉडफादर की सीट संभाली तो कैसा लगा था? बाकी हमले दा हासा निकल गया कभी कुल्फी मंगा रहा है कभी शलांटियां मंगा रहा है उथे निका जाते आया है। अबू जी आप खुशकिस्मत हैं कि मैं आपके घर पैदा हूँ। अमेजिंग एक्टर गॉड फादर लेकिन लाइनें बोलने पे आपको कितनी मुश्किल पेश आती थी आपको किक्स और पंचेस भी पड़ चुके हैं ना कि आप सही लाइनें नहीं बोलते। ये शो जो उस वाकये का जिक्र करना जरूरी है। हाँ हाँ बताए ना हुआ क्या था उस फिल्म दे वेख सच्ची मुच्ची दा क्रिमिनल आ गया सी भाई मैं मर गई दूसरा दा यार सी ओ अच्छा असल लाइन ओनू याद नहीं सी हुंदी मैनू खिज चढ़े मैं कहनू याद नहीं हुंदी कित्थों दा एक्टर है ओ कमरे बैठा मैं उन्हें कहा तेनू हया शर्म नहीं आंदी ए काम तेनू नहीं आंदा ते तू ना कर अच्छा सच्ची मुची तो बाउंसर सी उन्हें फिर अंदर मैंने कुटिया मेरी रूम बाहर निकल आई वो मेरी रूम बाहर निकली उन पछाड़े जावे फिर रूह रखे फिर मारे मेरे उन्हें मेरी वखियां सेक देती हैं। अच्छा ये कौन सा वाला घोड़ा था जिसकी वो गर्दन वहां पर पड़ी थी? ये होंगे ना जिते घोड़ा बीमार है दौड़ ला देंगे वो दे रख दी वो सी नवा एक्टर वो सुता पिया उठाया उन्हें डरिया उन्हें कहा घोड़े की दौड़ है घोड़े ने हल्का जी किता ना ई करके मर गया
वो सच्ची मुची दौन सच्ची मुची का खून सी हो। अच्छा वैसे ही गॉड फादर ने क्राइम्स और स्मगलिंग इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं दी थी, क्योंकि लॉस वेगस रिव्यू जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस जो है वो जितने भी क्रिमिनल्स स्मगलर्स या माफियाज के हेड्स को अरेस्ट करने जाती है तो उनके सामान में जो सबसे ज्यादा चीज मिलती है ना वो गॉड फादर की कैसेट्स और सीडीज मिलती हैं। तो आपको लगता नहीं कि आपने जरायम को फरोग दिया? नहीं नहीं, मैं करेक्टर कीता है, उन लोगों को इतना पसंद आ गया और करने लग मैंने, तो मेरा कसूर तो है कोई नहीं। बिल्कुल, और वैसे भी ये अडैप्टेशन थी ना एक बुक की, लेकिन रियलिटी में भी लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। वो इसलिए इंस्पायर्ड है कि उस वक्त के जो लोग थे ना वो चाहते थे कि पुलिस और ये जागीरदार है इनके खिलाफ कोई बंदा उठे, तो जैसे हमारे यहाँ पे मौला जाट इसलिए पसंद की गई थी क्योंकि वो जागीरदारों के खिलाफ थे, वो सिस्टम के खिलाफ थे, वो पुलिस के खिलाफ थे, तो बिल्कुल यही मामला इनके साथ भी था। आज तक कोई ऐसी गर्दन नहीं जो मेरे बाप की तरफ उठ सके। अच्छा तुसी अपने गल करो दी अपनी लैना ने बाकी वो किसी बात पे आ नहीं रहे, अल पचीनो बने हुए अबू जी एक ओ आपके हां पुत्र गॉड फादर की होया है पुत्र क्लोज अप प्रोग्राम चल रहा है आओ 10 मिनट कर ले वेट की मतलब है तेरा असी पैदल जाना है तू वापस देख मेरी गल सुन तेरे ना आन जान दा मुकाया है ए तू आन दा 700 रुपया कौन देंदा रिक्शे वाले नु ना मेरा पुत्र ना ते सारी धुंध हो जानी है रिक्शा में एक मिनट जा एक मिनट ठहर जा यार इजाज़त दो रिक्शे वाला निकल जाए। नहीं नहीं बैठे बैठे हम भेज देंगे आपको। क्या की मसला है तुसी कह देंदे हो? नहीं हम पता मैंने पहले भी बड़ा होया मैं बड़े जगह तक गया। नहीं नहीं बिना आप सीधा कन्वेंस नहीं देंदे तुसी। मैं आपको पैसे दूंगी मेरा शो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं तुसी मैंने पहले सन दे दो ना लेट हो जाएंगे बच्चा है फिर रस्ते डरता है। आप प्लीज 10 मिनट और दीजिए ना। भाइयो भाइयो कारो ना मैं आपको अपनी पर्सनल कार में ड्रॉप करवा दूंगा ड्राइवर को। बैठे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं यार जब तक आप खोते थे जाना है। कभी ना मुझे ये बताइए कि आपने दोनों की मूवीज देखी हूं आपको कौन ज्यादा अच्छा अदाकार लगा? आई पर्सनली लव अल पचीनो मगर गॉड फादर में तो मार्लन ब्रांडो की नहीं अगर गॉड फादर निकाल दिए तो फिर अल पचीनो रह गया के? अच्छा कहीं ऐसा भी होता कि लोग डिवाइडेड थे अल पचीनो और मार्लन ब्रांडो की परफॉर्मेंस? उस वक्त ये बिल्कुल नवारत था ये अल पचीनो बट आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग हिम सिंस देन। लेकिन उसके साथ एक तीसरा बड़ा था फनकार रॉबर्ट डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो वो नजर ही नहीं आया पूरी फिल्म में देख लो। अच्छा जब आपने फिल्म की थी ना तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री तो आपके खिलाफ थी, एकेडमी अवार्ड्स के साथ भी आपकी कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के बाद जब आपको ऑस्कर मिला तो आप लेने ही नहीं गए? एक गल देखो नहीं लेने गया ऑस्कर अवार्ड थे आज तुसी गल कर रहे हो ये ले आंदा है सवाल होना सी। इनका एक डिस्प्यूट था जिसकी वजह से और वो जायज था आपका डिस्प्यूट। मेरा सवाल है जनाब एक मेरी गल सुन मेरा पुत्र तू ना विच बोल क्यों जी मैं मैंने पता है तू कोई ना कोई चीज मंगनी है मेरे को नहीं है। नहीं जनाब देखो जी अगर मैं एक्टर बनना चाहवा तो मेनू की करना पड़ेगा? एक ते तेन पहले पुत्र जागना पड़ेगा दराने प्रोग्राम उबासियां नहीं लेनी है मुश्किल काम है इनके लिए चौकस होकर बहना पैना है जिसे तुम लगे कि तुम हल्की जी आ रही नहीं ते बाहर स्टूडियो दे 8 चक्कर ला के वापस आना फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा। टिप नंबर 2 अबू जी मेरा जी 1 मिनट देख ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर कॉलिंग अगेन। हां पुत्र तेरी मलक साहब ना गल करा दें 300 बात दे देंगे। चला गया उन्होंने क्या है हां हां किथे तू चला गया सकीम मोड़ दे ओते पुत्र सी पैदल की में आवांगे एक मिनट रो एक मिनट अच्छा अब लो ब्रेक रिक्शे वाला निकल जाना है अरे निकल ले जा पकड़ लिया सबको। और हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है बट नो वरीज आपसे फिर मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह हाफिज़।